नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत गुरु नानकपुरा कॉलोनी में एक वृद्ध दंपत्ति के घर अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर रविवार को भागलपुर SSP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा कर दिया। SSP आनंद कुमार ने बताया कि CT DSP अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर मामले की छानबीन की गई, जिसमें कई थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी को शामिल किया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज एवं तकनीकी अनुसंधान की मदद से लूटे गए रुपये और सोने के आभूषण को बरामद कर लिया गया, जबकि इसके अलावा पुलिस टीम ने इस घटना में शामिल 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी की पहचान बबरगंज थाना क्षेत्र निवासी अर्जुन शर्मा के पुत्र छोटू शर्मा और सरयुग शर्मा के पुत्र हीरालाल शर्मा के रूप में हुई है, जबकि इसके अलावा 2 गिरफ्तार अपराधी में महेश शर्मा का पुत्र रंजीत शर्मा और विक्की कुमार शामिल है। पुलिस फिलहाल आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। टीम की जो कि लगातार इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए काम कर रही थी, हम लोगों ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो CCTV फुटेज थे उनको खंगाला गया और करीब 20-25 लोगों से पूछताछ की गई, जिससे कि अपराधियों की पहचान कर पाने में हम लोग सफल रहे। और ये ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा था और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली। और लूट में शामिल जो 3 अपराधी थे उसमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ लूट की घटना कारित करवाने में जिस व्यक्ति ने लाइनर की भूमिका निभाई थी वह एक क्रिमिनल का मामा भी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर बाईपास के समीप लूट की घटना को अंजाम देने का विरोध करने पर अपराधियों ने बाइक सवार युवक को गाड़ी के साथ जिंदा जला दिया। इस घटना में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि घायल युवक की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी मुकुल यादव के पुत्र सुरेश यादव के रूप में हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि घायल युवक श्राद्ध कर्म के शांति भोज में शामिल होने व गोराहटी के कदवा मोहनपुर गया था, जहां से वापस दरियापुर लौटने के क्रम में किशनपुर बाईपास के समीप बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं इसके बाद घटना की जानकारी युवक के परिजनों को दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि मामले को लेकर मधुसूदनपुर पुलिस का कहना है कि चलती बाइक में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ है, जबकि इस घटना की जांच जारी है। ये सर उसको तो जलाया गया है, बाइक भी जला दिया है, उसको भी जला दिया है। उसके बाद प्रशासन वहाँ से घर से जब कॉल किए कि कहाँ है, तो प्रशासन फोन उठाया। उसके बाद प्रशासन बोला कि एक्सीडेंट कर गया है, उसको मयागंज भेजे हैं। हम लोग आए तो यहाँ पूरा खोजे तो कहीं नहीं था भर्ती। उसके बाद फिर एम्बुलेंस में देखे तो एम्बुलेंस में ही रखा था। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर खुर्द पंचायत लक्ष्मण बाग में रविवार की सुबह घरेलू विवाद में 2 भाइयों द्वारा मिलकर अपने ही सगे भाई के साथ मारपीट कर जलते चूल्हे पर चढ़ाकर जबरन जिंदा जलाकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस घटना में पीड़ित मिट्टू सा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि बीच बचाव करने पहुंची पीड़ित की पत्नी के साथ भी दोनों बड़े भाइयों ने मारपीट की। घटना को लेकर पीड़ित घायल मिट्टू सा ने बताया कि उसके भाई संजय सा और रवि कुमार रविवार की सुबह उसके घर पहुंचे और चूल्हे से निकलने वाले धुआं का दाग दीवार पर लगा देखकर उसे तुरंत साफ करने को कहा। वहीं इस पर मिट्टू सा ने थोड़ी देर में सफाई करने धुआं से दीवार काला हो जाने की बात अपने भाइयों से कही। मिट्टू सा ने बताया कि इसके बाद दोनों भाई आग बबूला हो गए और उसके साथ मारपीट कर जबरन जलते चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस घटना में पीड़ित का हाथ पैर पीठ समेत कई अंग जल गए, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इधर जली अवस्था में ही मिट्टू सा मधुसूदनपुर थाना पहुंचा और आपवीती बताकर दोनों आरोपित भाइयों पर केस दर्ज कराया। मामले पर मधुसूदनपुर OP प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि घटना को लेकर लिखित शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है, जबकि घायल पीड़ित युवक का मायगंज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिवार की पुलिस चौक रहा था, दुनिया का हो गया दाग वहाँ पे। उसी में भाई ने उसको बोला, अरे माता चल यहाँ जो दुनिया का दाग हो गया ये छोड़े तो क्या। परिवार जाके बोला हमको फिर कि हेने ने भैया बोले जहाँ। कौन भाई बोला आपको? संजय बोला। तो आए हम संजय के पास, रे कहना बोला इस तरह तो उनका तो रुक बताए छो। बोले याद तो बताओ आया चूल्हा पर पटक के हमको धाए धाए घुसा फट मारने लगा। बोले अरे भाई आग लगी लो शरीर में।
चूल्हा पटक के देने लगा धाए धाए घुसा पैड हमको। उसके बाद रवि भी आ गया, रवि भी मारने लगा हमको पूरा। अच्छा हम भाई को बोल रहे भाई हमारा पेट में आग लगी, छोड़ दे हमारा भाई के तो हम जान ही मारे दे तेरा मारिया तो जाने आगे ना पूरा पेट में आग लग गया सर देखिए गोड़ हाथ पूरा। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रविवार को वी केयर संस्था की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर में शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए युवाओं के साथ संस्था के सदस्यों ने भी रक्तदान किया। वहीं इसको लेकर वी केयर के नितेश चौबे और रवि वसाक ने बताया कि प्रत्येक 3 महीने पर संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर रक्त संग्रहण किया जाता है जिससे जरूरतमंदों को समय पर ब्लड चढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि रक्तदान के अलावा संस्था की ओर से सामाजिक स्तर पर कई कार्यक्रम चलाया जाता है जिससे आम लोगों के साथ मरीजों को समय पर मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान में शामिल हो जिससे अधिक मात्रा में रक्त संग्रहित कर ब्लड बैंक में एकत्रित किया जा सके जिसका लाभ गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर मिल सके। वहीं रविवार को मायगन अस्पताल ब्लड बैंक में लगाए गए शिविर के दौरान 36 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया जिसमें ब्लड बैंक के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफीन, लैब टेक्नीशियन साजिद समेत कई नर्स के द्वारा डोनर का ब्लड कलेक्ट किया गया। मौके पर संस्था के कई सदस्यों के अलावा अस्पताल के कई कर्मी और रक्तदाता मौजूद रहे। आज ब्लड डोनेशन कैंप है, जैसा कि हर 3 महीने में हम लोग ये रेगुलर कैंप चलाते हैं। हर 3 महीने में हमारा एक कैंप लगता है जो मायागंज में लगाते हैं और एक बड़ा कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो साल में एक बार होता है, वो जुलाई में हम लोग लगाते हैं मानिक सरकार में, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि भागलपुर में अधिक से अधिक लोग आके रक्तदान करें और लोगों को हम लोग प्रेरित भी करते हैं कि आप आके ब्लड डोनेशन करके देखिए कि आपको कैसा लगता है। वहाँ पर हर एक उम्र के 18 साल से प्लस और 65 साल तक के वर्ग के लोग आके ब्लड डोनेशन करते हैं जिनमें लड़कियाँ भी होती है और लड़के भी होते हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरेन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि से अल्पसंख्यक कांग्रेस भागलपुर के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शारी खान नवाब के नेतृत्व में कहलगांव प्रखंड स्थित पार्क चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने को एक षड्यंत्र बताते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों पर सवाल खड़े करने के कारण साजिश के तहत राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द की गई है। इसको लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शारिक खान ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटना बंद कर उनके नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पुनः बहाल नहीं की तो पार्टी आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए सवालों का जवाब देने के साथ यह भी बताएं कि अडानी से प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपया किसका है। साथ ही कहा कि यह सभी सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार से सवाल पूछने के साथ विरोध प्रदर्शन भी जारी रहेगा। मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरवर खान, मोहम्मद वसीर अहमद, भागलपुर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार, कहलगांव युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद साजिद हुसैन समेत काफी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो कहलगांव में पुतला दहन किए श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, किस मकसद के लिए आप पुतला दहन किए? नरेंद्र मोदी को आज जो हम लोग आज हमारे यहाँ कहलगांव में नहीं पूरे देश में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कांग्रेसी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी 4,000 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा भारत जोड़ो पदयात्रा किए, ये भाजपाइयों को और नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं खटक रहा है। और राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी पे, महंगाई पे और आम आवाम की जनता के लिए सदन के अंदर मुद्दा उठाते रहे, अंबानी से, अडानी से और जो नेहरू चौकसी हो,
या नीरव मोदी हो, ये सबसे जो जो नरेंद्र मोदी का संबंध है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अडानी से जो जो अडानी के पास जो 20,000 अडानी की फर्जी कंपनी है उसके पास 20,000 करोड़ जो है वो किसका है। नागरिक विकास समिति की ओर से शहर में आयोजित होने वाले भागलपुर महोत्सव को लेकर रविवार को बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जियाउर रहमान ने की। इस दौरान भागलपुर महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई निर्णय समिति द्वारा लिया गया, जबकि बैठक का संचालन समिति के सलाहकार रमन कर्ण ने किया। वहीं बैठक में नागरिक विकास समिति के प्रवक्ता रमन शाह ने कहा कि इस वर्ष IMA के साथ मिलकर संस्था 5 मेडिकल कैंप का आयोजन करेगी, जबकि बैठक में IMA के सचिव डॉक्टर मनोज कुमार सिंह एवं डॉक्टर संजय निराला ने भी अपनी सहमति जताते हुए आश्वासन दिया। रमन शाह ने कहा कि महिला परामर्श केंद्र को पुनर्गठित किया जाएगा, जबकि संगठन सचिव आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन नए सदस्यों को विशेष रूप से युवाओं को संगठन में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सचिव सत्यनारायण प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से संस्था का शिष्टमंडल मिलकर भागलपुर के वर्तमान हवाई अड्डे से छोटे जहाज का परिचालन कराने की मांग करेगा। साथ ही सामाजिक सद्भावना के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन करने की भी बात कही गई। बैठक में नागरिक विकास समिति और IMA के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। भागलपुर लायंस क्लब ऑफ गोल्ड की ओर से मानिकपुर दुर्गा मंदिर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विहारी लाल और राकेश रंजन केसरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि इस तरह के शिविर का आयोजन हर इलाके में होना चाहिए, जिससे क्षेत्र के लोगों की जांच कर उचित परामर्श और सुझाव दिया जा सके। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से इस तरह के शिविर का लाभ लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराने की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।